देखिए मैं आपको बता दूं, दिनेश जी ने बहुत सारी बातें कही। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का है, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं हमारी सेना के बीच में, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि सेना के और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बीच में सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है जी। आखिर 100 दिन कर्फ्यू लगा रहा, आखिर ऐसा क्या है? आप तह तक क्यों नहीं जाते कि कौन लोग हैं? सरकार कहीं ना कहीं, कोई सरकार के पास ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई ठोस कार्य योजना नहीं है और एक्शन लेने की हिम्मत नहीं। अशोक जी ये कोई नई समस्या, जो रूटीन है। में सालों से हम लोग यही बात जो रूटीन में दिनेश जी, दिनेश जी आप बोल रहे थे, दिनेश जी आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, डिबेट का मतलब बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिएगा जो आपको बुरा लग रहा है आप बोलिएगा। सरकार के पास कोई भी ठोस ब्लूप्रिंट अभी तक 3 साल में कोई कार्य योजना नहीं बन पाई है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है उसका इम्प्लीमेंटेशन 2-4 साल बाद दिखता, 5 साल बाद दिखता, 10 साल बाद दिखता, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। हाँ प्रधानमंत्री जी, यूपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री जी पॉलिसी देखने के लिए सर 100 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा रहा, आप देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप यूपीए 1 यूपीए 2 बड़ा कभी।